जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार से श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहे हैं। सभी साधक, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो अपने माता पिता को मानने वाले लोग हैं, अपने दादा दादी को मानने वाले लोग हैं, अपने कुल को मानने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। श्राद्ध पक्ष क्यों होता है? श्राद्ध पक्ष होता है अपने पितृ, जैसे कि आप नवरात्रि मनाते हैं देवी देवताओं के लिए, आप दिवाली मनाते हैं, आप होली मनाते हैं, सभी का एक विशेष संबंध होता है किसी न किसी देवी शक्ति का, किसी घटना का, किसी कथा से। लेकिन श्राद्ध पक्ष जो होते हैं आपके पितरों के लिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपके जिस कुल में आपने जन्म लिया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पहले के समय में, जैसे कि श्री राम के जो पिता थे दशरथ, आपने देखा होगा रामायण में कि किस तरह से व्याख्यान किया गया है उसमें पितृ पूजा के लिए, कि किस तरह से वो अपने पितरों का उन्होंने मंदिर बनवाया था, किस तरह से पितरों का पूजन किया करते थे। भगवान श्री राम भी किस तरह से अपने पितरों का पूजन किया करते थे। आज के समय में भली वो मंदिर उपलब्ध ना हो, लेकिन पितरों का एक विशेष स्थान होता है। पितरों के तर्पण श्राद्ध के लिए, उनके पिंडदान के लिए प्राचीन समय से आपने देखा होगा कि पांडवों ने, चाहे भगवान श्री राम हो, सभी बड़े बड़े अवतार, जिन्होंने अवतार लिए, परम पिता ने भी जो अवतार लिए, उन्होंने भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध पिंडादि करने के लिए अलग अलग स्थानों की यात्रा की और वहां पे जाके श्राद्ध पिंडदान किया है। तो फिर आप लोग इन चीजों को अब भूल चुके हैं, आप लोगों को इन विषय में बताया नहीं गया, आपको पता नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीजें आपने करना बंद कर दी है। इस चीज को आपको समझना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष अब जो आ रहा है, जो कि नवरात्रि के एक दिन पहले समाप्त होता है, ये कितना महत्वपूर्ण है। श्राद्ध पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके पितरों के लिए। आपके जिस कुल में आपने जन्म लिया है, इसके साथ साथ पूर्व जन्म में जो आपके पितर थे, सभी का आपको ध्यान रखना है श्राद्ध पक्ष में। उनके लिए आपको हम आज विधि बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। बहुत ऐसे चीजें नहीं बताएंगे कि जो आप कर ना सके, बहुत आसान चीजें बताएंगे। आपको करना क्या है, जो उनके लिए श्राद्ध करना चाहते हो, जो धूप डालने का कार्य करना चाहते हो, देखिए जो लोग ब्राह्मण की सहायता लेते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं। अगर जो लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आप ब्राह्मण ढूंढे या ब्राह्मण से संपर्क करके सारा चीजें करवा सके, उनसे पूजा और जो तिथि दी जाती है उस तिथि के दिन करवा सके विशेष पूजा उनके लिए, तो आप साधारण तौर पे जो एक साधक होता है वो अपने घर में क्या कर सकता है, आपको गोबर के जो कंडे आते हैं, जो उपला आता है, उसको जलाना है। जब वो जल जाता है अच्छे से, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आधा जल, जैसे अब ये कंडा है, गोबर का उपला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना जला दिया, थोड़ा सा जल गया और इस पे आपने पूरी तरह से अंगार नहीं बना और इसके ऊपर आपने गुड़ और घी और जो भी आपने प्रसाद बनाया वो चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना। आपको इसको पहले गैस पे रखना है, जब ये जल जाता है आपको देखे कि हाँ चारों ओर से इसमें आग इसने पकड़ ली है, ये जल गया है, तब इसको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, यानी कि जैसे आपका जो घर होगा उसमें सामने आपने बरामदा दिया होगा, वहां पे ये पूजन किया जाता है। इसके लिए आपको उस जगह को पहले जल से साफ करना है, उसके बाद वहां पे आप चाहें तो आटे से वहां पे आप रंगोली बना लीजिए या वहां पे आप स्वास्तिक बना लीजिए, और वहीं पर फिर एक किसी ईंट के टुकड़े के ऊपर या फिर कोई टाइल्स हो आपके पास तो उसके ऊपर आप इस कंडे को रख दीजिए। वो भी ना हो तो कोई बर्तन हो, अगर आपके पास कोई प्लेट हो तो उसको रख दीजिए और उसके ऊपर इस जलते हुए कंडे को रखना है। और गुड़ और घी, ये दो चीजों की आपको धूप डालनी है, सिर्फ इतनी प्रार्थना करके कि मेरे जो पितर हैं, जितने भी मेरे पितर हैं, सभी को तृप्ति प्राप्त हो, सभी को शांति प्राप्त हो, वो सभी आए ये भोग ग्रहण करें और अपने लोकों में जाएं। ये प्रार्थना आपको करनी है। क्या क्या चीजें आप यहाँ पे जब आप श्राद्ध करते हैं तो क्या क्या चीजें इस विधि में आप कर सकते हैं, इस विधि में आप गुड़ और घी मिला के चढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो एक बाटी बना लीजिए, आप छोटी सी बाटी जो आटे की गोल गोल बना के एक बाटी बनाते हैं वो बाटी बना लीजिए, या फिर आप चाहें तो मीठी पूरी, यानी कि बिना नमक का आटा जो रहता है उसमें गुड़ मिला के या गुड़ का पानी मिला के आप थोड़ा सा आटा बना लें और उसकी एक पूरी बना लें और उस पूरी से आप जो लेके आएंगे और चढ़ा देंगे। आमतौर पर जो हम करते हैं वो बताते हैं कि हम चार बाटी बनाते हैं या चार पूरी बनाते हैं, उसमें से एक जो रहती है उससे हम गुड़ और घी मिला के उसमें एक आहुति गुड़ और घी की दे देते हैं और एक आहुति हम बाटी या फिर मीठी जो पूरी होती है उसकी दे देते हैं। ये हो गई एक, बाकी के जो तीन हिस्से बचते हैं, तीन बाटी या तीन पूरी, जो कि बहुत छोटी छोटी बनाना है, इतनी इतनी बड़ी आप लोग खाते हैं, इतनी बड़ी नहीं बनाना, छोटी छोटी, तो उसमें से फिर जो तीन हिस्से बचते हैं वो एक हिस्सा गाय का रहता है, एक हिस्सा जो रहता है वो कुत्ते का रहता है और एक हिस्सा जो रहता है वो पक्षियों का रहता है, जो कि छत पे कौए के लिए ऊपर रखा जाता है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु का है। साथ में शक्कर और आटा ये मिला के किसी भी गमले के पास
किसी भी छत पे, आपकी बालकनी में, बगीचे में, पौधे के नीचे, कहीं भी आपको प्रतिदिन डालना है श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए। आप चाहें तो जल का लोटा लें, उसमें एक लाल फूल डालें और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलकर भगवान सूर्य को अर्घ दें इस प्रार्थना से कि आपके पितरों को शांति मिले। तो इस तरह से मात्र दो चीजों से आपको कंडे पे धूप देनी होती है अपने पितरों को, गुड़ और घी पहली चीज, दूसरी चीज बाटी या रोटी अगर आप बनाते हैं तो बिना नमक वाली बना लें, उसको घी में मिला के और उसमें गुड़ मिला लें, वो मीठा हो जाएगा। और उसकी बस दो चीजों की धूप आप डाल सकते हैं कंडे के ऊपर और इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। ये प्रतिदिन करना है आपको, जितने दिन श्राद्ध पक्ष चलेंगे आपको प्रतिदिन करना है। जो तिथि होती है विशेष तिथि, जैसे कि आपके जो आपके पितृ पक्ष होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के लिए जो दिन तय किया जाता है उस दिन उनके लिए आपको करना होता है श्राद्ध। माताओं के का जो दिन होता है उस दिन माताओं के लिए, और जिस दिन अकाल मृत्यु वाले जो लोग मरते हैं, जैसे बच्चे की मृत्यु होती है या अकाल मृत्यु जिन लोगों की हो जाती है, उस दिन की जो तिथि रहती है उस दिन विशेषकर उनका आपको करना है। उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे, कल हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे और वो भी वीडियो हम दे देंगे आपको कि किस दिन कौन सी तिथि पे किसका आपको करना है। तो करना ये सेम विधि रहेगी, बिल्कुल आपको यही विधि आपको करना है कि गुड़ और घी की आपको धूप देनी है और बाटी या मीठी पूरी या फिर रोटी अगर बनाते हैं तो रोटी जो सेकी आपने बिना नमक की, इनमें नमक नहीं डालना, उसमें घी मिला के गुड़ मिला के और आप धूप दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बिना नमक के उड़द के भजिए मीठी पूरी बनाकर भी आप चाहें, खीर बना के आप चाहें। तो जो तिथि वाला दिन होता है जिस दिन आप अपने मातृ पक्ष के लिए या पितृ पक्ष के लिए आप उस दिन अगर धूप देते हैं आप इसी विधि से, और अलग से कोई बड़ी पूजा नहीं होती, और आप चाहें तो आप उड़द के भजिए, मीठी पूरी और घी, ये तीन चीज बना के आप उनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में आपस में बांट के आप घर के लोग खा सकते हैं, और खुद के लिए अगर आप चाहें तो फिर जो भोजन बनता है उसमें नमक खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धूप डालते हैं आप कंडे पे उसमें नमक का उपयोग नहीं करना है। तो ये जो विधि रहेगी आपको पूरे श्राद्ध पक्ष की रहेगी। विशेष दिन जब तिथि रहती है तो ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ दो दिन की मानते हैं, एक माताओं का जो रहता है उस दिन और एक दिन जो पिताओं का रहता है उस दिन, बस दो दिन लोग ज्यादातर मानते हैं। माताओं का आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन उनके लिए आप यही चीजें बनाइए, जिस दिन पिता का कर रहे हैं उस दिन भी आप यही चीज बनाइए, भजिए पूरी और खीर बना के और उनको आप चढ़ाइए। सफेद वस्तुएं पितरों को प्रिय होती हैं, इसलिए सफेद फूल भी आप चाहें तो वहां पे आप चढ़ा सकते हैं। एक दीपक जला के रख दीजिए मिट्टी का और एक कलश लोटे का भर के वहां पे आप रख सकते हैं जब आप वहां पे श्राद्ध करते हैं। उस जगह पे जूते चप्पल हटा देना, वहां जूते चप्पल मत रखना, उस जगह को ढक के रखना कि किसी को बाहर वाले लोगों को दिखाई ना दे, कम से कम उतनी देर तक जितनी देर तक दीपक जलता है। उसके बाद आप चाहे तो वहां से उन चीजों को हटा दीजिए और अगले दिन दोबारा रख दीजिए। तो ये प्रतिदिन करना, इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। चींटी को आटा और शक्कर मिलाकर तो जरूर से जरूर डालिए। जो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज्यादा हमारे काम बिगड़ते हैं, खास करके इस समय गणेश जी के बैठने से लेकर नवरात्रि तक हमारा कुछ ना कुछ उल्टा जरूर होता है हर साल हमारे साथ, उनके ऊपर जरूर पितृ दोष लगा होता है, पितरों की वजह से ऐसा होता है। तो आपको ये जरूर करना है कि आटा और शक्कर मिला के चींटियों को जरूर डालना है। जो लोग घर में धूप नहीं डाल सकते, यानी कंडे पे ये जो हमने बताया ये नहीं कर सकते, वो लोग क्या करें? वैसे तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम करते हैं तो हम स्वयं स्नान करने के बाद हम खुद ही बाटी बनाते हैं और खुद ही धूप डालते हैं, तो हम किसी को नहीं बुलाते बाहर से। बहुत सारे जो लोग हैं जिस दिन माता पक्ष का श्राद्ध होता है या पिता पक्ष का श्राद्ध होता है, वो वीडियो अलग से बनाएंगे, उस पे उस विषय में अच्छे से चर्चा होगी। आज हम महत्व बता रहे हैं आपको कि ये करना बहुत जरूरी है। जो लोग ये चीजें नहीं करते या नहीं कर पाते, वैसे तो हर व्यक्ति कर सकता है, जब खाना रोज खाते हैं तो क्या एक बाटी बनाने में कितना समय लगता है, तो क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर भी जो लोग ये नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, वो लोग दूसरे काम कर लीजिए। आप कीजिए अपने पितरों के लिए दान, आप पितरों के लिए दान कीजिए। गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को आप खाने के लिए रोटी दीजिए। आप चाहें तो दान मंदिर में जाके कर सकते हैं, ये दान आश्रमों में नहीं करना है, ये दान मंदिर में जाके करना है। ये दान मंदिर में जाके आप ब्राह्मण को दान करें या फिर कन्याओं को दान करें या जो चाहे मर्जी वहां आप जाके दान करें, लेकिन दान करें अपने पितरों के निमित्त। सफेद वस्तु में दान करने का विशेष महत्व है, तो आप ऐसा प्रसाद जो सफेद हो आप मंदिर में जाके दान करके आइए। आप अगर किसी भिखारी को, अगर आपके घर आता है कोई भी, इन दिनों में कोई भी भिखारी आता है, बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि कोई चावल मांगने वाले आते हैं, कहीं आटा मांगने वाले आते हैं, किसी को भी खाली हाथ मत जाने देना, सबको दान देना। जो तीर्थ स्थानों के किनारे पर रहते हो, कि आपके पास में कोई तीर्थ स्थान हो, कोई नदी हो, जहां पे जो परिक्रमा पे जो लोग सन्यासी निकले होते हैं, परिक्रमावासी जिनको कहते हैं, अगर वो वहां पे मिलते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जो परिक्रमा पे निकले होते हैं, तो आप वहां पे जाके जरूर आटा दान देकर आइए। कम से कम 5 किलो आटा लेके जाइए आप,
और जाकर सभी को थोड़ा थोड़ा भली आप एक एक प्लेट एक एक कटोरी सबको बांटे, लेकिन वहां पे आटा जरूर दान करके आए, इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पितर आपसे आशा करते हैं कि आप उनके लिए करें, तो पितृ पक्ष में आपको करना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं करते उन वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे पता चलता है कि आपके पितर नाराज हैं। जैसे ही पितृपक्ष शुरू होने वाले थे उसके पहले से, यानी कि गणेश जी की स्थापना के बाद से, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बस इस समय पे गणेश जी की स्थापना से लेकर नवरात्रि तक उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे घर में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है, बिजली के सामान को जल जाना, आपको करंट लगना, आपको चोट पहुंचना, घर का वाहन का दुर्घटना हो जाना, किसी की तबियत खराब होना, किसी घर के किसी सदस्य को चोट लगना, ठीक इसी समय जब गणेश जी की स्थापना होती तब से लेकर नवरात्रि आने तक, इस बीच में अगर ऐसी कोई घटना आपके घर में होती आ रही है का मतलब आपके पितृ दोष लगा हुआ है, आपके पितृ जो है वो प्रसन्न नहीं है। पितृ चाहे कितने भी पीढ़ियों के हो, आपके कितने भी कुल निकल गए हो, आपके जो पितृ रहते हैं भले ही उन्होंने जीवित रूप में कोई अच्छा काम ना किया हो, भले ही उन्होंने दान पुण्य आध्यात्मिक मार्ग पर ना चले हो, लेकिन वो सारे के सारे जो जीवित लोग रहते हैं इनसे आशा लगाते हैं और वो जरूर आते हैं। ये नियम है, उनको छूट दी जाती है कि आप जा सकते हैं और वो सभी आपके दरवाजे पे आते ही है। आप माने चाहे ना माने, आप सभी के पितर चाहे वो आपकी माताएं हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो आपके दरवाजे पे जरूर आते हैं। अगर आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो वो चले जाते हैं, भली वो रुष्ट होके जाएं। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि दयालु स्वभाव रहता है जीवन भर, तो वो आपका अनिष्ट करके नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ पितर ऐसे भी होते हैं जो अनिष्ट कर सकते हैं, वो नाराज होते हैं तो अनिष्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं होना ये बताती हैं कि आपके पितृ दोष आपको लगा हुआ है। तो ऐसे सभी साधक जो हिंदू धर्म को मानते हो, आप कुछ ना कर सके तो गुड़ और घी की ही आप आहुति कंडे पर रोज जरूर देना, ज्यादा कुछ मत कीजिए, नहीं कर सकते ज्यादा मत कीजिए, आप कंडा जलाइए, कंडे के ऊपर गुड़ और घी की आहुति आप दे दीजिए और जल चढ़ा दीजिए और वहीं कलश भर के रख दीजिए आप और एक दीपक जला दीजिए और कुछ मत कीजिए। आपके पितर इतने से भी प्रसन्न हो जाएंगे कि कम से कम ये हमारे लिए कुछ कर तो रहा है, हमारे नाम से कुछ तो कर रहा है, ये इससे बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर निर्माण के लिए अगर आप दान देते हैं पितरों के नाम लेकर कि मैं अपने दादाजी के लिए ही मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहा हूं, इसका पुण्य मेरे दादाजी को प्राप्त हो, तो इसका जो अक्षय पुण्य मंदिर निर्माण जलाशय निर्माण ये अक्षय पुण्य के लिए की चीजें होती है, तो इनमें जो दान देता है उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप अपने पितरों के निमित्त 500, 1, 1100 कहीं भी जहां आपके आसपास आपको लग रहा हो कि भाई मंदिर निर्माण, ऐसा तो कोई शहर नहीं होगा जब मंदिर निर्माण ना हो रहा होगा, हर शहर में मंदिर निर्माण हो रहा है। आप अपने आसपास जहां भी आपको दिखाई देता है कि मंदिर निर्माण हो रहा है वहां की समिति में जाके आप अपनी इच्छा से 101, 151, 501, 1100 आप वहां पे दान देके आइए और रसीद अपने उन मृत स्वर्गीय व्यक्ति के नाम पे ही कटवाइए कि स्वर्गीय ये आपके दादा दादी जो भी हो, माता पिता जो, उनके नाम की आप रसीद कटवाइए, इसका पुण्य उनको ही अर्पण कर दीजिए। ज्यादा आपको अगर मन में वो हो तो घर आके हाथ में जल लेके आप ऐसा भगवान के सामने संकल्प छोड़ दीजिए कि मैं ये जो मैंने दान देके आया मंदिर निर्माण के लिए, इसका जो फल है वो मेरे दादाजी को या मेरे माता पिता को मैं अर्पित करता हूं, ये आप संकल्प छोड़ दीजिए। विश्वास मानिए कि आप उनको बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं इस तरह के कर्म करने से, और आपका किया गया कर्म कहीं जाता नहीं है, वो तो आपको वापस लगेगा ही लगेगा। तो आप जीवित हैं, आपके पहले के जो लोग थे उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, शरीर छूट गया उसके बाद उनको होश आया कि भाई हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, जो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि दूसरों का भला किया नहीं हमने कि हमारा भला हो मृत्यु के बाद। पर आपको जब ये बात पता चल चुकी है कि करना बहुत जरूरी है, इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते, तो आप अपने पितरों के लिए काम कीजिए, उनके लिए जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, उनके लिए आप धूप दीजिए, उनके लिए जीव जंतुओं को आप दाना दीजिए, इससे आपके पितरों को बहुत शांति मिलेगी। और जिन लोगों को पहले भी हमने बताया कि जिन लोगों के पितर मरने के बाद दिखाई देते हो, उनको क्या करना चाहिए कि भाई पितर मर गए हैं उसके बाद भी दिखाई देते हैं समस्या होती है, तो उनके लिए भी हमने बताया है आप लोगों को कई बार कि फिर से बता देते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा की आप अनुष्ठान करवा लीजिए, चाहे अपने छोटे स्तर पे करवा लीजिए, आप दो लोग मिलके करवा लीजिए, एक जन नहीं करवा सकता तो दो लोग मिलके करवा लीजिए, शिव प्रवाह करवा लीजिए। इसके अलावा ये एक चीज है, दूसरा होता है सत्य चंडी यज्ञ आप घर में करवा लीजिए कि आपके पितर अगर कष्ट में है, अगर आपके पितर जो है माता पिता मृत हैं अगर, और अगर वो कष्ट में है तो उनका उद्धार हो जाए, उनकी गति बदल जाए तो भी वो बदल जाती है, ऐसा आप उनके लिए कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष सोमवार से शुरू हो रहे हैं, सभी साधक साधिकाएं जो हिंदू धर्म को मानते हो, भले आप इसमें कोई किसी मंत्र की जरूरत नहीं है,
कुछ बड़ा विधि विधान नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर में आपको ये करना है कि धूप देना है। बहुत सारे लोग जिस दिन उनके माताओं का श्राद्ध रहता है, पिता का तिथि के अनुसार श्राद्ध रहता है, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाने के बाद उनको उनको भोजन करवाते हैं, उनको सभी प्रकार की भोजन करवाने के बाद उनके साथ मिलकर धूप डालते हैं, फिर सभी लोग मिलकर भोजन करते हैं, उनको भी दूसरों को भोजन कराते हैं, तो इससे भी शांति मिलती है आपके पितरों को। ये बहुत अच्छी चीज होती है, आपको ये चीज करना चाहिए, तो इससे आपका पितरों की शांति होती है और आपका भी भला होता है। तो इसीलिए सभी साधक साधिकाएं, अब आप जैसे कि भली आपकी साधना चल रही हो, महालक्ष्मी साधना चल रही हो, चलने दीजिए, तब भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, तब भी आप धूप दे सकते हैं अपने मृत माता पिता दादा दादी की। कोई दिक्कत नहीं है कि अभी आपकी साधना चल रही है, आप करेंगे, सभी लोग करेंगे जो कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, जो नहीं कर सकते वो दान पुण्य कीजिए, मंदिर में दान कीजिए। आप जीव जंतुओं को जितना ज्यादा भोजन कराएंगे श्राद्ध पक्ष में, उतना ज्यादा आपके पितरों को लाभ मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये थी जानकारी, सोमवार से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, आप सभी को अपने पितरों के लिए बहुत सी चीजें करनी चाहिए, दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जो मंदिरों में कर सकते हैं आप परिक्रमा वासियों को कर सकते हैं, जीव जंतुओं को आप भोजन पानी दाना की व्यवस्था कर सकते हैं, ये सारी चीजें पुण्य देती हैं। जो कुछ नहीं कर सकता वो आटा और शक्कर मिला के जगह जगह आप डाल सकते हैं जीव जंतुओं के लिए, चींटियों के लिए, इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बाकी हम और वीडियो लेके आ रहे हैं आज और कल में श्राद्ध पक्ष के ऊपर, अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।